नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसीटीई का सेकंड लेक्चर, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल टिम्बर के बारे में। तो आर्टिफिशियल टिम्बर पढ़ने से पहले जो है हमें जानना होगा कि टिम्बर आखिर क्या होता है, तब ना हम लोग आर्टिफिशियल टिम्बर के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले कि टिम्बर क्या होता है। तो जब भी हम लोग कोई पेड़ को काटते हैं, काट करके जब उसका लकड़ी को रख देते हैं तो उसे हम लोग वुड कहते हैं, ठीक है। और जब उस लकड़ी को अच्छी तरह से छील छाल के पॉलिश करके एकदम हम लोग ऐसा बना देते हैं कि उससे कोई स्ट्रक्चर बनाया जा सके, ध्यान रखिए जिस लकड़ी को यूज़ करके हम लोग कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी कि फाइन करके हम लोग रखते हुए हैं, मतलब एक तरह से रखे हुए होते हैं और उन्हीं लकड़ी को यूज़ करके जो है हम लोग कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टेबल चेयर बेंच वगैरह हो गया, या फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन में एज उसको यूज़ करते हैं रूफिंग वगैरह के लिए, या फिर डोर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं टिम्बर्स। तो टिम्बर्स तो हमने जान लिया, अब ये आर्टिफिशियल टिम्बर क्या है भाई? तो जो आर्टिफिशियल टिम्बर होता है ना, वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, यानी कि जो टिम्बर हमें पेड़ों से मिलता था वो तो नेचुरल टिम्बर था, वो हमें डायरेक्टली पेड़ों से ऑब्टेंट होता था, हम लोग जो है बस उसको छील छाल के टिम्बर बना देते थे। लेकिन जो आर्टिफिशियल टिम्बर होता है ना, वो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं। अब आर्टिफिशियली कैसे बनाते हैं? आर्टिफिशियली पेड़ तो बनाए नहीं जाते। तो आर्टिफिशियली टिम्बर बनाने का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई वुड से टिम्बर बनाते हैं, तब हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा वेस्ट सब्सटेंस निकल जाते हैं, छोटे छोटे जो है लकड़ी वगैरह, या फिर कह सकते हैं लकड़ियों के रेशे, या फिर एक तरह से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हम लोग लकड़ियों को काटते टाइम निकलते हैं ना, तो वो सब जो होते हैं हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो उनको ही यूज़ करके हम लोग जो है कंप्रेस करके, या फिर कोई ऐसे टाइप का मैकेनिकल प्रोसेस करके यूज़ करके हम लोग जो है उसको टिम्बर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा वो टिम्बर कहलाता है आर्टिफिशियल टिम्बर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टिम्बर और आर्टिफिशियल टिम्बर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल टिम्बर के प्रॉपर्टीज़ को। तो जो आर्टिफिशियल टिम्बर होता है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, उसमें जो है वाटर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती है, वो जो है फायर रेजिस्टेंस होता है, वर्केबिलिटी उसमें काफ़ी अच्छा होता है, उसमें इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, टफनेस एंड एब्रिविएशंस काफ़ी अच्छा होता है उसमें, साउंडनेस सभी जगह सेम रहता है, हार्डनेस भी अच्छा होता है, और रेजिस्टेंस टू शेयर काफ़ी उसमें अच्छा रहता है, वो शेयर को काफ़ी अच्छा रेजिस्ट करता है। फिर हमारा उसमें स्ट्रेंथ का तो पूछिए मत, वो जो है नेचुरल टिम्बर से काफ़ी अच्छा प्रोसेस करता है स्ट्रेंथ में, क्योंकि उसे जो है आर्टिफिशियली एज अ प्लानिंग करके बनाया जाता है कि हमें इसे कितने स्ट्रेंथ के लिए बनाना है, तो वो एज अ हमारा काफ़ी अच्छा एज अ टारगेट के तौर पर हमारा जो है हम लोग खुद से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमें कितना स्ट्रेंथ का टिम्बर चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग जो है टिम्बर को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, और ये जो होता है हमारा आर्टिफिशियल टिम्बर में ही पॉसिबल होता है। तो चलिए अब हम लोग आर्टिफिशियल टिम्बर के कुछ यूजेस को देख लेते हैं। तो हमारा जो आर्टिफिशियल टिम्बर होता है, हम लोग जानते हैं कि वो कॉरिजन रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी हमारा कॉरिजन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है स्ट्रक्चर में, वहाँ पर हम लोग जो है आर्टिफिशियल टिम्बर को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट यूजेस इसका ये आता है कि इसको हम लोग एज अ मेंटेनेंस वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी अगर मेंटेनेंस का काम हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल टिम्बर को यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो है इसको हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि कहीं अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर जो रूफिंग वगैरह बनते हैं, छत वगैरह बनते हैं, वहाँ पर आपको दिखा होगा कि टिम्बर्स को यूज़ करके हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे कि हम लोग रूफिंग करते हैं। इसके बाद जो हमारा आर्टिफिशियल टिम्बर होता है वो कंस्ट्रक्शन में एज अ डोर्स एंड विंडोज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे तो आर्टिफिशियल टिम्बर्स को और भी कई जगह पर यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ मेनली देखना है कि ये कंस्ट्रक्शन में क्या क्या इसका यूजेस होता है। तो ये सब थे इसके कुछ यूजेस जो कि कंस्ट्रक्शन में होते हैं। तो अब चलिए हम लोग आर्टिफिशियल टिम्बर के कुछ टाइप्स को देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल टिम्बर मेनली जो है 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है वेनल, फिर आता है प्लाईवुड, फिर आता है पार्टिकल बोर्ड, फिर आता है फाइबर बोर्ड्स, फिर आता है हमारा बैटन बोर्ड। तो सबसे पहले आता है हमारा वेनर। तो चलिए देखते हैं वेनर क्या होता है। तो वेनर्स जो होते हैं वो थीन शीट ऑफ वुड्स होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी पतले होते हैं, और ये जो है ऑब्टेन किए जाते हैं टिम्बर्स से ही, इनको जो है टिम्बर्स से ही बनाया जाता है। इसको हम लोग रोटेटरी कटिंग्स के थ्रू जो है कट करके
थिन शीट में कट करते हैं और इसको जो है हम लोग एज अ थिन शीट बनाते हैं। तो जो हमारा थिन शीट्स होता है, जैसा कि आपको इमेजेस में दिख रहे होंगे, तो इस तरह के थिन शीट्स को हम लोग जो है वेनर्स बोलते हैं। वेनर्स को जो है आपने अपने घरों में ज़रूर देखा होगा। तो वेनर्स के यूसेज क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो वेनर्स को जो है मेनली हम लोग एज अ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और इसको जो है एज अ हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी जॉइंट्स को जो उभार को भरने के लिए। कोई भी हमारा टिम्बर अगर ख़राब है अंदर से, तो उसको हम लोग ऊपर से वेनर डाल के ढक सकते हैं। और वेनर जो है हमें टिम्बर में एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। किसी भी फर्नीचर में अगर हम लोग वेनर को प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा वो जो है फर्नीचर काफ़ी फाइन और स्मूथ हो जाता है। और जो वेनर्स होते हैं, इनको हम लोग एज अ यूज़ कर सकते हैं प्लाईवुड्स को भी बनाने के लिए। जैसा कि आपने प्लाईवुड्स तो देखे ही होंगे, वो कैसे होते हैं, ऊपर नीचे दो थीन शीट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो वेनर्स होते हैं। तो चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो टाइप आता है, वो प्लाईवुड ही आता है। तो प्लाईवुड भी देख लेते हैं कि क्या होता है। प्लाईवुड तो आपने घरों में देखा ही होगा। प्लाईवुड किस तरह के होते हैं, ऊपर नीचे जो है दो बैनर्स लगे हुए होते हैं, दो थिन शीट्स लगे हुए होते हैं, और उनको जब हम लोग कबाड़ते हैं तो नीचे में आपको कुछ लकड़ी के टुकड़े दिखते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, वो सब जो होते हैं रिजेक्टेड माल होते हैं। वो सब जो होते हैं उन्हें कंप्रेस करके, मैकेनिकल प्रोसेस करके जो है कंप्रेशन करके उनको लकड़ी में कन्वर्ट किया जाता है, छोटे छोटे लकड़ियों में, और उनको जो है ग्लू दे करके, या फिर कह सकते हैं कोई भी ऐसा एजेंट डाल करके जो है चिपका दिया जाता है, एज अ सार दिया जाता है, और उसे जो है एक प्लाईवुड का रूप दे दिया जाता है। प्लाईवुड्स का एक बड़ा एडवांटेजेस ये है कि हम लोग प्लाईवुड्स को जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लोग इसे जितना लोड का रेजिस्टेंस कराना रहेगा, उतना लोड के हिसाब से हम लोग इसको बना सकते हैं। जितना एरिया में हमें चाहिए होता है, जितना साइज़ का हमें चाहिए होता है, वो हम लोग खुद ही प्लानिंग करके, पहले से प्लानिंग करके जो है बना सकते हैं प्लाईवुड्स को। तो ये एक काफ़ी अच्छा हमारा एडवांटेजेस हो जाता है प्लाईवुड्स का। तो चलिए कुछ और एडवांटेजेस देख लेते हैं हमारे प्लाईवुड भाई साहब के। तो जो हमारे प्लाईवुड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, इनका जो है वेट काफ़ी कम होता है, हल्का होता है। फिर ये जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है। और आपने देखा होगा कि जो हमारे नेचुरल टिम्बर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एज अ कह सकते हैं, कहीं कहीं क्रैक्स होते हैं, कहीं कहीं थोड़े बहुत डैमेजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें क्या प्लाईवुड में ये डैमेजेस देखने को मिलते हैं, नहीं। हम लोग जो है प्लाईवुड को जैसा चाहे वैसा हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वैसा बना सकते हैं। और प्लाईवुड्स में कोई भी डैमेजेस नहीं होते, कोई भी होल्स वगैरह नहीं होते बीच में। तो ये सब हमारा जो है काफ़ी अच्छा एडवांटेजेस है प्लाईवुड्स का। तो चलिए अब हम लोग आर्टिफिशियल टिम्बर के नेक्स्ट टाइप में जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आता है हमारा पार्टिकल बोर्ड। तो पार्टिकल बोर्ड्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि पार्टिकल बोर्ड नाम है, ये जो है पार्टिकल से ही बने हुए होते हैं। जब हमारा कोई वुड्स को टिम्बर में कन्वर्ट किया जाता है, उनको जो है आरी से काटा जाता है, तो जो है आपको कुछ डस्ट पार्टिकल्स दिखते होंगे, वुड्स के डस्ट जो है वो नीचे गिर जाते हैं, यानी कि वुड्स के पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं। तो उन पार्टिकल्स को यूज़ करके, उसको गम वम लगा करके, चिपका करके, कंप्रेस करके, जो भी हमारा टिम्बर बनता है उसको हम लोग जो है पार्टिकल बोर्ड बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फाइबर बोर्ड। तो फाइबर बोर्ड क्या होता है, फाइबर बोर्ड एक्चुअली वो होता है जिसको हम लोग फाइबर्स से बनाते हैं। यानी कि जब भी कभी वुड्स के फाइबर्स को यूज़ करके कोई टिम्बर बनाया जाता है, तो उसे हम लोग फाइबर बोर्ड टिम्बर बोलते हैं। तो अब हमारा जो वुड्स का फाइबर होता है वो कैसे निकाला जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो जो वुड्स का फाइबर होता है वो जो है हम लोग एज अ एक उसका प्रोसेस होता है निकालने का। तो चलिए देखते हैं कि वो प्रोसेस आखिर है क्या। तो फाइबर बोर्ड्स को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है वुड्स को छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 20 mm साइज़ में काट लेते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग उसको वाटर में डाल करके बॉयल करते हैं, उबालते हैं। फिर उस उबले हुए लकड़ी को हम लोग एक तरह के ऑटोक्लेव में गुजारते हैं। ऑटोक्लेव आपको दिख रहा होगा इमेजेस में किस तरह के होते हैं। इनसे जो है हम लोग उस लकड़ी को पास करते हैं, फिर उसको जो है एक एक्सट्रीम प्रेशर में, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग उसको जो है 2300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के प्रेशर में अबाउट हाफ मिनट तक रखते हैं, प्रेशर डालते हैं उसमें। और ये जो है फ्यू सेकेंड्स रखने के बाद वो जो है थोड़ा ढीला पड़ जाता है, थोड़ा उसमें लुरपुरियान हो जाता है, और उसके जो है रेशे निकलने लगते हैं, यानी कि फाइबर्स जो है वो अलग होने लगते हैं। और उन्हीं फाइबर्स को यूज़ करके हम लोग फाइबर बोर्ड बनाते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है बैटन बोर्ड्स। तो बैटन बोर्ड्स क्या होते हैं? बैटन बोर्ड्स को जानने से पहले हमें जानना होगा कि बैटन आखिर क्या होते हैं। तो जो वुड्स लोग होते हैं ना, यानी कि वुड्स लोग नहीं, आई मीन जो वुड्स होते हैं उनको जब हम लोग छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं तो उन पीसेस को जो हम लोग बैटन बोलते हैं। तो उन्हीं बैटन्स को यूज़ करके जो हम लोग बोर्ड बनाते हैं ना, उसी को हम लोग बैटन बोर्ड बोलते हैं। अब ये बैटन बोर्ड बनाया कैसे जाता है? बैटन बोर्ड बिल्कुल उसी तरह से बनाया जाता है जैसे कि हमारा प्लाईवुड्स होता है। प्लाईवुड्स में क्या था, पहले हम लोग वेनर्स डालते थे, ऊपर नीचे बीच में घुसा देते थे कुछ लकड़ी, वैसे ही बैटन बोर्ड्स को भी बनाया जाता है। वैनर्स डाले जाते हैं नीचे और ऊपर दोनों ही साइड, और अंदर में जो है बैटन्स को घुसा दिया जाता है, घुसेड़ दिया जाता है, उसके बाद जो है हमारा बैटन बोर्ड तैयार हो जाता है। तो यहीं पर हमारे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल टिम्बर खत्म होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिफिशियल टिम्बर। तो आर्टिफिशियल टिम्बर का स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है भाई। आर्टिफिशियल टिम्बर है ना, इसको हम लोग मॉडिफाई करके बनाते हैं। और इसका जो है गुण क्या होना चाहिए कि इसमें हम लोग जो है स्लो या फिर सडन लोड अगर कोई भी प्रोवाइड करें तो हमारा जो है आर्टिफिशियल टिम्बर उसको रेजिस्ट कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर पाता है यानी कि वो अच्छी तरह से बना नहीं है। और जो आर्टिफिशियल टिम्बर का स्ट्रेंथ है वो मस्ट है कि हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन को झेल लेना चाहिए, उसमें जो है डायरेक्ट कंप्रेशन होने से कोई भी फेलियर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों यही था हमारा आर्टिफिशियल टिम्बर। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग मिसलेनियस मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।